राबड़ी देवी ने मारा है और उसके जो लेडी सिक्योरिटी है जो भी है उसका नाम मैं नहीं जानता, उन लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में एक बार फिर से पारिवारिक मामले को लेकर भूचाल आ गया है। दरअसल लालू परिवार की बड़ी बहू ने अपने ससुराल वालों पर बड़ा बयान देते हुए जो कुछ भी कहा है उससे लालू परिवार की छवि पर काफी असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने अपनी सास राबड़ी देवी के खिलाफ रोते बिलखते मारपीट का आरोप लगाया है और पुलिस से शिकायत भी दर्ज की है। आज हम न्यूज देख रहे थे, शाम में न्यूज देख रहे थे तो तेज प्रताप तुम ऊपर से आए उनसे बोलने के लिए कि आपको जो प्रॉब्लम है मेरे से है, मेरे से लड़िए, मेरे फादर को मत इन्वॉल्व कीजिए। उसी में उसने दरवाज़ा लॉक किया है, मेरा बाल पकड़ा है, घसीट घसीट के मारी है, उसके बाद जितना इनका सिक्योरिटी फीमेल सिक्योरिटी गार्ड है उठा के बाहर फेंका गया है और जो इस फोन में एविडेंस था वो फोन छीन ली है। देखिए बाल खींच करके स्थिति कर दिया, पैर में चोट लगा है। वो लोग खड़े होकर देख रहे थे, शर्म की बात है, वो पुलिस में ही है ना अल्टीमेटली। वो उनका प्रोटेक्शन के लिए, मेरे को हरास करने के लिए नहीं है। आप आपको घसीट के बाहर मार मार के कैसे बाहर निकाल सकते हैं मैम, आप ही बताइए। वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, आई एम फॉर इट, हाउ विल आई बी एबल टू बीट हर विद सो मेनी बॉडीगार्ड। आप बताइए किसी को मार के जब बातें कोर्ट में है बाबू। सबसे सीरियस केस है, उठा के घर के बाद फेंक देंगे कभी भी। वो अलग देखिएगा ना, अलग देखिएगा ना। रिंग करता रहा, नहीं उठाया तो मुझे घबराहट हुई, मैं यहाँ चला आया। यहाँ पर देखा कि बाहर अकेले बिना चप्पल के ये खड़ी हुई है और रो रही है। उसने मुझे बताया कि आज दो एक घंटा पहले वो कोई पोस्टर निकला है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, कोई कहीं पटना यूनिवर्सिटी में कुछ तेज प्रताप ने कुछ पोस्टर निकलवा है जिसमें कुछ अश्लील बातें लिखी हैं। तो इसने राबड़ी देवी से सिर्फ इतना ही पूछा कि मुझ जो आपत्ति है मुझसे, मेरे पिता को क्यों इसमें बार बार घसीटने का काम करते हैं ये जो आपके तेज प्रताप हैं। उन्होंने दरवाज़ा बंद करके इसको पीटना शुरू कर दिया, उसी समय इन्होंने फ़ोन हमको लगाया, उसके बाद इनका फ़ोन छीन लिया गया। हम लोग यहाँ दौड़े दौड़े आए तो बाहर ये खड़ी थी और बुरी तरह से इसको मारने का काम किया, बाल खींच करके उसके बाल निकाल लिए हैं इसने और लात जूता सब मारने का काम किया। उसके बाद अपने जो फीमेल सिक्योरिटी है, फीमेल सिक्योरिटी है उससे खिंचवा करके घसीटवा करके इसको घर से बाहर निकाल दिया और बाहर से दरवाज़ा यहाँ पर जो बाहर वाला है इसको भी बंद करने का काम किया। क्या ऐसी औरत जो कि 7 साल मुख्यमंत्री के पद पर रह चुकी है, क्या ये नारी के मान सम्मान की रक्षा की बात कर सकती हैं? ऐसे जाहिल लोगों को क्या जेल में नहीं भेजना चाहिए? आप, मैं आपसे पूछता हूँ, इस छोटी सी बच्ची को आप देखिए कितनी छोटी है, कितनी छोटी है और इसके साथ इस तरह का अत्याचार किया जाता है, क्या ये बर्दाश्त के बाहर है? कि हम लोग के बर्दाश्त के बाहर है, मगर हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। हम लड़ने का काम करेंगे, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सब स्तर पर लड़ने का काम करेंगे और इन लोगों की बेहाई, जो बेहाई जो है उसको हम लोग दिखाने का काम करेंगे। पुलिस का बिल्कुल मांग करेंगे, बिल्कुल अरेस्ट की मांग करते हैं। ऐसी औरत को बाहर नहीं घूमना चाहिए समाज में, ऐसे जाहिल औरतों को बाहर नहीं घूमना चाहिए। इन लोगों का एक ही जगह रास्ता है, वो है जेल में रास्ता है। खैर फिलहाल ऐश्वर्या पटना के गार्डनर हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप करवाकर वापस राबड़ी आवास के बाहर बैठी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि मेडिकल रिपोर्ट आने पर पुलिस आगे क्या कार्यवाही करती है। मैं अभी उनकी बात सुन रही हूँ, नवनीत भैया उचित कार्रवाई के लिए मैं उनके साथ ले जा रही हूं। क्या क्या बोला आवेदन में?